तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं हम दोस्तों जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि सैमसंग ए फिफ्टी टू में बहुत जल्दी वन UI सिक्स पॉइंट जीरो का अपडेट आने वाला है जैसा कि मैंने बताया था कि यूके और जर्मनी साइड वहां पर रोल आउट भी हो चुका है फाइनली आज इसका अपडेट रोल आउट हो चुका है सैमसंग ए फिफ्टी टू एस के लिए क्या ये अपडेट है कितने एम का अपडेट है और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस मिलने वाले हैं सब आपको आगे बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफे पे लाइक दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके तो व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सनियर और स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताना रहा हूँ ए फिफ्टी टू एस के नए अपडेट के बारे में वन याई सिक्स पॉइंट जीरो अपडेट के बारे में तो उसके लिए सबसे पहले जाना आपको अपने वाइफ

2322.49 थाउजेंड लगभग दो जीबी के आसपास का ये अपडेट यहां पर दिया गया है और इसमें सिक्योरिटी पैच आपको एक नवंबर 2023 की मिलने वाली है अब बात करें इसमें फीचर्स की तो यहां पर जाएंगे व्यू ऑल फीचर्स में तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं फीचर्स को डिस्क्रिप्ट करने से पहले मैं उसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ जब तक अपना डाउनलोड भी होता रहेगा अब बात करें यहाँ फीचर्स पे तो यहाँ पर न्यू बटन का लेआउट दिए गए हैं क्यूक बटन के अंदर बहुत सारे नए नए लेआउट दिए गए इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि बाद में वीडियो बनाने में काम आएगी तो फाइनली बात करें इसमें नए फीचर्स की यहाँ पर न्यू बटन का लेआउट दिया, दिया गया है क्यूक पैनल के अंदर इंस्टेंट एक्सेस फुल क्यूक पैनल दिया गया है क्यूक एक्सेस ब्राइटनेस कंट्रोल दिया गया है इम्प्रूव एल्बम आर्ट दी गई है इनहांस लेआउट दिए गए हैं मतलब बहुत सारे लॉक स्क्रीन में अगर देखें तो लॉक स्क्रीन में रिपोजिशन और क्लॉक क्लॉक के रिपोजिशन का आप चेंज कर सकते हैं होम स्क्रीन पे देखें तो सिंपली आइकन लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप टू हैंड्स मल्टीटास्किंग में कीप पॉपअप विंडो ओपन सैमसंग की Uh, में आपको न्योमोजेस मिलेंगे कंटेंट शेयरिंग में पिक्चर्स प्रिव्यू मिलेंगे आपको वेदर के अंदर भी कुछ विजार्ट को भी अपडेट किया गया है कैमरे में आए तो सिंपल एंड इनिव डिजाइन कर दिया गया कस्टम कस्टम कैमरा विजार्टस कर दिए गए और कुछ एलिमेंट्स भी डाल दिए गए वाटर, वाटर मार्क के अंदर और डॉक्यूमेंट डायरेक्टली वहां से आप स्कैन भी कर सकते हैं आ, और भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स दिए गए जब फाइनली जब अपडेट होगा जब पता चलेगा गैलरी के अंदर आपको एडिट करने के लिए अच्छे ऑप्शन दे दिए गए डिटेलिंग ज्यादा मिलेगी उसके अंदर औ, और उसके अंदर फोटो एडिटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे फंक्शन मिलने वाले हैं अंडू रीडू और कस्टमर मतलब बहुत सारा कुछ दिया गया है एक एक चीज़ में अगर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो एक एक करके वीडियो आपको आती रहेगी फिलहाल इसको होने देते हैं अपडेट और सबसे जरूरी चीज़ कि इस अपडेट में तो मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा बट नेक्स्ट अपडेट आएगा इसके बाद उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी या सारे फीचर्स मिल जाएंगे कि इस अपडेट के बाद क्या एक्चुअली नए नए फीचर्स ऑन किए गए तो फिलहाल इसको होने देते हैं फिर आगे देखते हैं थैंक यू तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट अपडेट करने के बाद आप पहले ही देख सकते हैं होम स्क्रीन में पता चल रहा है कि इसके फोन चेंज हो गए हैं कुछ अलग से इरान जैसा दिख रहा है फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऑन करा है मतलब अपडेट करने के बाद फर्स्ट टाइम ही इसको ऑन कर रहा हूं अब देखते हैं क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं सैमसंग एफ टू डेज में आफ्टर वन यू आई आपके सामने ही बता रहा है यू हैव अपग्रेडेड टू वन यू आई या बोल सकते हैं आप यहां पर एक्सप्लोर हो चुके हैं एंड्रॉइड 14 में और अगर आपको कोई फीचर्स देखना है तो यहां पर एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेंगे वो आपको कुछ फीचर्स बता देगा इसके अंदर हाइलाइटेड फीचर्स इस वीडियो में कुछ मैं हाइलाइटेड फीचर बताऊंगा और उसके आने वाले टाइम पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही शानदार शानदार फीचर्स बताई रहा हूं यहां से कर दिया डन अब जैसे ही मैंने उसको डन पे क्लिक करूंगा फाइनली ये हो चुका है पूरी तरीके से ऑन अब इसको देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और क्या क्या चाहिए चीज़ें यहाँ पर वर्किंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं वो यहाँ पर अपन को देखना रहेगा अब सबसे पहले बात करें यहां पर नीचे की तरफ तो नोटिफिकेशन पैनल पूरी तरीके से यहां पर चेंज हो चुका है सबसे पहला जो हाईलाइटेड फीचर है वन का यही है यह कि उसका नोटिफिकेशन पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया वाईफाई ब्लूटूथ के लिए आपको अलग से ऑप्शन दे दिए गए हैं ब्राइटनेस आपको नीचे की तरफ दे दिया गया है ताकि आप इजिली वन हेड के थ्रू उसको कंफ्राइज कर सकें जो भी ब्राइटनेस से रिलेटेड है वो आई कंफर्ट डार्क मोड सब नीचे दे दिए गए स्मार्ट और डिवाइस कंट्रोल सब आपको यहाँ पर दे दिया गया है यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी एप्स आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दे दी गई होंगी मतलब कुछ ऐसी ऐप्स जो कि आप यूज कम करते हैं पर वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगी आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है वाईफाई अगर आपको ऑन करना है तो वन टैप करेंगे वाईफाई ऑन हो जाएगा अगर आपको वाईफाई की सेटिंग में जाना है तो आपको यहाँ पर टैप करना है उसके नाम पे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेटिंग्स भी खोल पाएंगे तो सबसे पहला फीचर ये दिया गया है और पहले तो मैं बता दूं कि मैंने अपडेट कर ही लिया भाई तो आपको आपका समझ में आ ही गया होगा तो मैं आ गया हूँ फोन में एंड देन मैं आ गया हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे तो आप देख सकते हैं वन यू आई सिक्स पॉइंट जीरो और एंड्रॉइड फोर्टीन का अपडेट ये यहाँ पर हो चुका है आपको दिख रहा होगा एंड्रॉइड फोर्टीन ये अपडेट हो चुका है अब बात करें यहां पर सेकेंड जो नए फीचर की है वो है नोटिफिकेशन को लेके यहां पर आपको नोटिफिकेशन के अंदर सारे पैनल मतलब कि नोटिफिकेशन में ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि अब जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगी वो सबको सेपरेट करके आपको बताएगा एक एक ऐप के हिसाब से पहले ऐसा नहीं होता था कौन सी ऐप की आई है सब आपको अलग अलग करके सेपरेट करके वो बता देगा आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर सेपरेट में आपको यहाँ पर ये बता रहा है उसके बाद बात करें थर्ड फीचर की वो भी बहुत शानदार है उसके लिए आपको जाना है गैलरी में गैलरी में जाना है मान लो आपको इसमें से आपको कुछ फोटो को पेस्ट करना है या फिर आप देख रहे हैं एक नया यहाँ पर दिखा रहा है सी द डिटेल्स एंड चेंज द इफेक्ट करके आप उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आई करके आपको बता रहा है प्रोडक्ट आप यहां पर कर सकते हैं पोर्ट्रेट इफेक्ट डाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट इरेजर डाल सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा है एआई के थ्रू आपको सजेस्ट करके यहाँ पर खुद ही बता रहा है तो आपको उसको देख लेना है तो ये आप देख सकते हैं वो मोड उसने ऑटोमेटिक डाल दिया है आप चाहे यहां पर कुछ भी डालना चाहे हाइट पे डालेंगे तो आपको पोर्ट्रेट और इरेजर का ऑप्शन मिल रहा है और उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर दूसरे नए फीचर की वो है लॉक स्क्रीन के अंदर लॉक स्क्रीन अंदर के अंदर आप क्या करेंगे जब भी आप यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन को टैप करेंगे तो आप चाहें तो इसकी पोजिशन को भी चेंज कर सकते हैं अपनी जो लॉक की प्रोफाइल पोजिशन है उसको भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं आपको सिंपली वहाँ लॉक पे खोल लेना है लॉक पे खोलने के बाद आप उसकी पोजीशन को यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे पहले आप चेंज नहीं कर सकते थे अब आप इसकी पोजीशन को भी यहाँ पर आप चेंज आउट कर पाएंगे तो ये यहाँ पर नेक्स्ट फीचर दिया गया है उसके बाद बात करें और भी नए फीचर्स की वो ये हैं यहां पर इसके फोन की आप देखेंगे इसके जो आइकन है बहुत छोटे छोटे कर दिए गए हैं सैमसंग के खुद के और बहुत छोटा छोटा कर दिया लाइक like अगर आप गैलेक्सी स्टोर को यहां पर सर्च करेंगे चूज एप योर क्यू क्लियर वो सेट ठीक है मान लो आपने यहां पर गैलेक्सी स्टोर सर्च करा तो आप देखेंगे अब गैलेक्सी स्टोर का नाम अब चेंज कर दिया गया है उसका नाम यहां पर अब स्टोर कर दिया गया है उसके बाद इसके अंदर इसके जो आपको प्री इंस्टॉल इसमें आपको विजार्ट्स डाल दिए गए ताकि आप बहुत इजीली क्विकली क्ली यहाँ पर कर पाए विजार्ड्स में जाएंगे तो आपको यहाँ कैमरे से रिलेटेड बहुत सारे विजार्ड्स यहाँ पर एड ऑन कर दिए गए बहुत सारे एक ही विजार्ड्स एड ऑन किया गया है अब आप कैमरे का विजार्ड्स आपको दे दिया गया है उस विजार्ड्स में आप क्या करना चाहते हैं आपको चूज कर लेना है और उसको यहाँ पर सेव कर देना है और जब भी आपको खोलना हो आप सिंपल यहाँ पर विजार्ड को क्लिक करेंगे आपका कैमरा एक्सेज हो जाएगा आप डायरेक्टली कैमरे की फोटो यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे तो फिलहाल दोस्तों यही मैंने कुछ कुछ हाईलाइटेड फीचर्स बताए हैं जो कि बस आपके सामने मैंने यहाँ पर देख के बताया आने वाले टाइम पे पूरी वीडियो आएगी इसमें पूरे नए नए फीचर्स बताए जाएंगे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो बड़े वो डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर अगर आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हो सबसे जरूरी चीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एड चैनल करो सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेट बिलाईकोन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिले और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे और वो हो सके तो व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर लेना